प्यार की इतनी भयानक सजा, सजाए मौत सुना दी। नोएडा में 21 साल के युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर लड़की के प्रेम संबंध होने पर चाचा ने लड़की के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 21 सितंबर को ई कोटे के कुलेसरा इलाके में रहने वाला अतुल अचानक ही गायब हो गया था, जिसके बाद घरवाले लगातार उसकी तलाश में जुटे थे। सभी दोस्तों परिचितों से अतुल की जानकारी हासिल की जा रही थी। काफी कोशिशों के बावजूद भी जब अतुल का कोई सुराग नहीं मिला तो 21 साल के अतुल के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें अतुल की तलाश में जुट गईं। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अतुल का पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लिहाजा पुलिस ने लड़की के परिजनों से पूछताछ शुरू की। पुलिस को इस बात की तस्दीक हो गई कि अतुल और लड़की के बीच प्रेम संबंध थे। जांच के दौरान और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि अतुल और लड़की के संबंधों से लड़की के परिजन बहुत ज्यादा नाराज थे। खासकर लड़की का चाचा इस बात से बेहद नाराज था। हैरानी की बात यह थी कि अतुल की गुमशुदगी के बाद से ही लड़की का चाचा भी फरार चल रहा है और पिता भी। इसके बाद पुलिस ने लड़की के चाचा अनिल को 24 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लड़की के चाचा अनिल से सख्ती से पूछताछ की तो कत्ल की साजिश का खुलासा हुआ। चाचा ने पुलिस को बताया कि अतुल और भतीजी के संबंधों का घोर विरोधी था। अतुल दूसरी जाति से ताल्लुक रखता था, यही वजह थी कि 19 सितंबर को लड़की के चाचा ने अतुल को बातचीत करने के लिए बुलाया। नाराज चाचा ने अतुल को बुलाकर ब्लेड से उसका गला काट कर हत्या कर दी, जिसके बाद चाचा अनिल ने अतुल की लाश हिंडन इलाके के डूब क्षेत्र में ठिकाने लगा दी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी चाचा अनिल को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर 21 साल के अतुल की लाश हिंडन नदी के डूब इलाके से बरामद भी कर ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि लड़की के घरवाले में और कौन कौन लोग हैं जो इस कत्ल की वारदात में शामिल थे। इस खबर में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।